हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे मान लीजिए किसी का कर्ली एंड वेवी हेयर है और आपको कटिंग समझ नहीं आ रही कि कौन सा करें। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं इसके ऊपर, फिर भी आप क्या करें कि उसमें डीप यू कट कर दें, ठीक है। सिंपल प्रोसेस और लुक वाइज बहुत अच्छा आता है। बस ध्यान रखना है कि डीप होना चाहिए, मतलब आपको अच्छे से उसको तिरछा कट करना होगा और शोल्डर तक आपको डीप ही देते हुए जाना होगा। सेंटर पार्ट्स को बराबर और साइड वाले हेयर को आप जो है तिरछा तिरछा कट करते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखना कि जो नीचे वाला हेयर है, जैसे कि सेंटर पार्ट्स और उसके जस्ट बाजू वाली जो लेयर होती है, उसको बहुत ज़्यादा डीप मत करिएगा, वरना फिर वो वी लुक में आ जाएगा। तो वी लुक से क्या रहता है कि हेयर नीचे का थोड़ा सा पतला जैसा दिखने लगता है, तो उसके लिए स्ट्रेट हेयर रहेगा तो ज़्यादा सही है। तो जब भी आप ऐसे कर्ली या वेवी हेयर पे कुछ सिंपल वे में कट करने के लिए सोचते हैं, तो आप कोई भी फैदर लेजर लेयर स्टेप्स ना करके सिंपली आप उसमें डीप यू भी कट कर सकते हैं। कोई भी वैसी टफ कटिंग को स्किप करके इस कट से भी बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं, जो कि बहुत जल्दी भी हो जाता है और बहुत सुंदर भी दिखता है। यहाँ पे आप इनके हेयर का टेक्सचर देख सकते हैं, जो क्वालिटी है वो काफ़ी ऐसा वेवी कर्ली टाइप का है, लेकिन मैं इनके हेयर पे स्ट्रेटनिंग के थ्रू जो है हेयर को अच्छे से स्ट्रेट कर दूंगी, तो आप लुक देखिएगा कितना अच्छा निकल के आएगा। आप चाहें तो इसमें ब्लो ड्राई कर सकते हैं, आउट कर्ल्स इन कर्ल्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रेटनर यूज़ की हूँ। उसके जैसे मान लीजिए आपने कटिंग किया, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हेयर प्रॉपर अच्छे से कट हुआ है कि नहीं, तो आप क्या करें, पहले तो उसको अच्छे से ब्लो ड्राई करके या तो सीधा कर लें या फिर आप स्ट्रेटनर यूज़ कर लें और फिर नीचे की तरफ हेयर को कोम करके डाउन करते हुए अच्छे से चेक कर लें। तो उससे क्या रहेगा कि जो शेप आपने डाला हुआ है कटिंग करके, वो भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा, तो आपके मन में जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा जो वीडियो है इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए, जब भी आप डीप यू कट करते हैं ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली एक अच्छा लेयर स्टेप्स का लुक आ जाता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा डीप में कट करना होगा, इसलिए मैं बोली डीप में कट करिएगा। अगर हेयर काफ़ी पतले हैं तो फिर आप हल्का लाइट यू शेप भी रख सकते हैं। और देखिए हेयर कट का शेप कितना प्रिटी लग रहा है। जैसे ये हेयर को मैं सिंपली ऐसा ओपन कर दी हूँ, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। चलिए फिर कल मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइज़।